नेशनल हाईवे 21 पर मंडी से और तक का सफर खतरों भरा हो गया है। एक तरफ उफनती ब्यास नदी है तो दूसरी तरफ भरभरा कर गिरते पहाड़। न तो सरकार आज दिन तक इन दरकते पहाड़ों की रोकथाम की कोई योजना बना पाई है और न ही प्रशासन। धीरे धीरे नेशनल हाईवे 21 अब खतरों का हाईवे बनकर रह गया है। पेश है एक रिपोर्ट। चंडीगढ़ से मनाली के लिए जाने वाले नेशनल हाईवे 21 पर सफर करना किसी रोमांच से कम नहीं, लेकिन मंडी से और तक के बीच का नेशनल हाईवे रोमांच के साथ साथ रूह कंपा देने वाली घटनाओं के लिए विख्यात होता जा रहा है। पिछले कुछ समय से इस हाईवे पर पहाड़ों के दरकने की जो घटनाएं सामने आई है, उससे अब यह हाईवे खतरों का हाईवे बन गया है। पहाड़ दरकने के जो लाइव वीडियो सामने आए हैं, उनसे पता चलता है कि यह हाईवे कितना खतरनाक हो चुका है। बरसात के दिनों में इस हाईवे पर लैंडस्लाइड होना आम बात है। कभी बड़ी बड़ी चट्टाने एनएच पर आकर नुकसान पहुंचाती है तो कभी पहाड़ का एक हिस्सा जमींदोज होकर बाधा उत्पन्न कर देता है। एनएच के किनारे एक तरफ उफनती ब्यास नदी है तो दूसरी तरफ दरकते पहाड़। एनएच 21 पर वाहनों के ब्यास नदी में गिरने या फिर पहाड़ से पत्थर गिरने की घटनाओं ने अब तक कईयों को मौत की नींद सुला दिया है और कईयों को गहरे जख्म दिए हैं। रोजाना इस एनएच पर हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं, क्योंकि लाहौल स्पीति, मनाली और कुल्लू के लिए यही मुख्य रास्ता है। इस हाईवे के माध्यम से ओट, थलौट, बालीचौकी, हणोगी, पंडो और आसपास के दर्जनों गाँव के लोग जिला मुख्यालय तक पहुँचते हैं। स्थानीय लोग सफर के दौरान अमूमन इसी चिंता में रहते हैं कि न जाने कब कौन सा पहाड़ उन पर आफत बनकर गिर जाएगा। बहुत ज्यादा डर लगता है। ओट से मंडी आम आना जाना है कुल्लू के जितने भी निवासी, और मेन बाजार हमारा मंडी की तरफ ज्यादा काम पड़ते हैं, और अक्सर हम देखते हैं कि इन पत्थरों के गिरने की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। और अभी हाल ही में जो वहाँ पे हादसा हुआ मंदिर के पास में, वो तो बहुत ही भयानक था। और इस तरह से हर वक्त चिंता लगी रहती है इस रास्ते पे, और कहीं भी पत्थर गिरते रहते हैं। इस तरह बहुत ही खतरनाक रास्ता है सर। इसमें काफ़ी डर लगा रहता है, क्योंकि आमना हमारा जितना भी काम है सारा मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही है, तो जितना आना जाना लग रहता है, तो जितने पहाड़ निकले हुए हैं बाहर की तरफ को, तो उनको देख के हमेशा डर ही लगा रहता है कि पता नहीं कब आकर किसके ऊपर गिर जाएं। और अमूमन ये गिरते ही रहते हैं। आपने देखा होगा अभी पीछे भी हनोगी माता टेम्पल के पास गिरा, आज भी एक मंडी पंडो के पास कहीं पे गिरा हुआ है। तो हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर हम कभी जाते हैं तो कभी पता नहीं कौन सा पहाड़ आके नीचे गिर जाए। दरकते पहाड़ों की रोकथाम कैसे की जाए, इस दिशा में सरकार और प्रशासन आज दिन तक कोई ठोस योजना नहीं बना पाया है। लोगों को सचेत करने के लिए नेशनल हाईवे के किनारे चेतावनी के बोर्ड लगाए गए हैं, ताकि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के पास लोग न रुकें और हादसों से बचा जा सके। लेकिन पर्यटन रुकते ही उन स्थानों पर हैं जहां इस प्रकार के बोर्ड लगाए गए होते हैं। एसटीएम सदर पूजा चौहान से जब इस बारे में बात की गई, तो उन्होंने बताया कि प्रशासन जल्द ही एक टीम बुलाने जा रहा है, जो इस बात का पता लगाएगी कि दरकते पहाड़ों की रोकथाम कैसे की जाए। इस टीम में जियोलॉजी विभाग के एक्सपर्ट भी होंगे और IIT मंडी के एक्सपर्ट भी। प्रशासन ने ये प्रयास किया है इस वक्त कि हम उसके एनालिसिस के लिए एक स्टडी टीम इनवाइट कर रहे हैं, जिसमें जियोलॉजी के एक्सपर्ट्स होंगे, जिसमें IIT के एक्सपर्ट्स होंगे, और एक प्रॉपर रणनीति इसमें तैयार करके हम इसको कार्य को करना चाहेंगे। इसमें लागत भी काफ़ी आने वाली है। नेट लगा करके इसको रोका जा सकता है, मंदिर के सामने गाटर लगा करके बड़े बोल्डर्स रोके जा सकते हैं ताकि वो लोगों तक ना पहुँचें। कुल मिलाकर मौजूदा समय में नेशनल हाईवे 21 पर सफर करना किसी खतरे से कम नहीं, और ये खतरा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि इन पहाड़ियों के बीच से होकर फोलेन की जो टनलें बनेंगी, उनसे पहाड़ों की स्थिरता और भी कम हो सकती है। यानी कि कहा जा सकता है कि भविष्य में खतरों का हाईवे और ज्यादा खतरनाक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।